इन सिंपल चीजों में आई गॉट द चांस टू लाफ, टू जोक, टू शो लव, मस्ती करना, गाना गाओ, ये सब मैंने मेजर में ही किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और इस वक्त मेजर की अमेजिंग कास्ट मेरे साथ है, तो चलिए बिना देर के उनसे बातचीत शुरू करते हैं। आपसे शुरू करूंगी। सही, इतने हैंडसम लड़के के साथ आप शूट कर रही थी, मैं देख रही थी कि जब प्रमोशन में भी फुल ऑन मस्ती चल रही है। मतलब एक तरफ इतना सीरियस कैरेक्टर है, सीरियस रोल है और सीरियस फिल्म है एक तरह से, और दूसरी तरफ कितनी, मतलब ऑन सेट कितनी मस्ती चलती रहती थी? ऑन सेट तो मैं तो बहुत मस्ती खोर हूँ ही। सही, चिपकली से बहुत डरती हूँ। ओह माय गॉड, बताया तुमने मुझसे आके। ओके, तो लास्ट डे ऑफ शूट वेरी नाइसली गिफ्ट बॉक्स में पैक करके कुछ प्लास्टिक वाला है नहीं, लेकिन अगर मैं चिपकली उधर भी देख लूँ तो मैं भाग जाऊंगी। चलिए अब फिल्म की बात करते हैं। रियल लाइफ फिल्म है, रियलिस्टिक फिल्म है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो संदीप जी के बैचमेट्स रहे होंगे या आर्मी के लिए भी आपने स्पेशली कुछ प्लान किया है कि उनके लिए स्क्रीनिंग रखी जाएगी? ऑफ कोर्स, बैंगलोर में तो स्क्रीनिंग है ही। और जैसे हम वो बैंगलोर में स्क्रीनिंग करेंगे, उनके सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इसलिए अंकल और अम्मा, उनके माता पिता, उन सबको उनके लिए स्क्रीनिंग करेंगे वहाँ पर। अंकल और अम्मा सब पहले से ही वो कभी कभी लैपटॉप पे और एडिटिंग स्क्रीन पे, यहाँ पे 3 मिनट, वहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट हम दिखाते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली स्क्रिप्ट भी नरेट किया गया उनको, बट फाइनल कॉपी उनको दिखाने के बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। इस कैरेक्टर से कौन सी ऐसी इमोशनल चीज़ है जो आपको बहुत टच कर गई है? आई थिंक रेजिलियंस। आई थिंक मुझ में वो ज़्यादा नहीं है। आई कॉन्ट टेक अ लॉट, आई कॉन्ट टेक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई कॉन्ट टेक अ लॉट ऑफ पेन, और इसी वजह से आई थिंक जो मेरा कैरेक्टर है उससे मैं बहुत सीखी हूँ, एंड It's been a very inspiring, very nice journey. अब तो बॉलीवुड में, मतलब हिंदी फिल्मों में शुरुआत हो चुकी है, तो इसके बाद भी हम आपको लगातार अब हिंदी इंडस्ट्री में देखेंगे। The truth is, I've already signed my next 3 films, और उनमें से 2 all Indian films हैं, जो तेलुगु में भी बनेगी और हिंदी में भी बनेगी। मेजर में स्पेशलिटी ये है कि हमने एक पैन इंडियन फिल्म डबिंग में अनाउंस नहीं किया। हर शॉट, हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन हिंदी में प्रॉपरली बनाया गया है, एंड हर शॉट, हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन तेलुगु में भी प्रॉपरली शूट किया गया। तो मैं यही प्रैक्टिस फॉलो करता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक तेलुगु बेस है जहाँ पर आई हैव वर्क 10 ईयर्स, वेयर आई हैव अ सर्टेन वैल्यू, और उस वैल्यू को मैं हिंदी ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ। इस बार तो हम आपको सीरियस रोल में देखेंगे, लेकिन इसके बाद कौन सी साइड हैं जो शेष की जो एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कॉमेडी करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्मों में आप नजर आएंगे? एक्चुअली दैट इज़ वेयर मैं मेजर जैसी फिल्म के साथ मैं बहुत फुलफिल्ड हूँ, क्योंकि द फर्स्ट 35 मिनट्स ऑफ मेजर, उसमें ना आपको मेजर संदीप पता है कैसे दिखेंगे? माँ बाप, स्कूल में क्रश, दोस्त, माँ के साथ बैठे बैठे रात को खीर खाना, क्लास बंक करके पिक्चर देखने जाता है। सो इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल बॉय नेक्स्ट डोर। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये भी लगेगा कि यार मुझे लगा एक बहुत ही ग्रेट इंसान को देखने आया हूँ, वो क्यों इतने सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, कि सेकेंड हाफ में हमें पता चलता है हर सिंपल सीन, गर्लफ्रेंड से जिस तरह से बात कर रहा है, माँ के साथ बैठे बैठे खीर जैसे खा रहा है, हर सीन का एक रीज़न है दैट इन्फ्लुएंसेस हिज डिसीजंस सेकेंड हाफ में, जब वो कश्मीर में है, जब वो ताज के अंदर है, क्या कैसे कैसे ये सिंपल चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करता है। सो इन सिंपल चीज़ों में आई गॉट द चांस टू लाफ, टू जोक, टू शो लव, मस्ती करना, गाना गाओ, ये सब मैंने मेजर में ही किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी यही चाहेंगे कि जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी की, जो बहुत ही खूबसूरत सी कहानी को पर्दे पर लेकर के आए हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए।